पंजाब दे विच एक पासे ऑपरेशन अमृतपाल जारी है ते दूजे पासे पंजाब दे मौजूदा हालात ते श्री अकाल तख्त साहिब दे जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने वड्डा बयान दिता है। ज्ञानी हरप्रीत सिंह दा कहना है कि सरकारां दे वल्लों बेवजह पंजाब दे विच दहशत दा माहौल पैदा किया जा रहा है। मैनू लगता है कि सरकारां वल्लों बेवजह ही एक दहशत का माहौल जिहड़ा ओह क्रिएट किया जा रहा है। सरकारी तंत्र जिहड़ा है वो कितने ना कितने बहुत ही ज़्यादा पैनिक क्रिएट कर रहा है। इंटरनेट बंद किया होया है जिहदे नाल कई किस्म दीआं जिहड़ीआं अफवाहां जिहड़ीआं ने जां चर्चावां जिहड़ीआं ने वो लोगों के अंदर घर कर रही हैं, जानकारी किसी को मिल नहीं रही है। पंजाब नूं अनस्टेबल करन दा यतन हो रहा है। इस किस्म की घटिया राजनीति तीन दहाके पहलां पंजाब दे अंदर उस वक्त की स्टेट सरकार और सेंटर सरकार ने मिलकर जिहड़ा खेडी सी जिहदा नुकसान वड्डी पद्धर दे उत्ते सानूं सिखां नूं भी भुगतना पिया और पंजाब नूं भी भुगतना पिया। कितने ना कितने उस किस्म की गेम जिहड़ी है वह फिर खेडी जा रही है अपनी गंदी राजनीति नूं चमकाउण वास्ते, सिखां नूं पंजाब नूं वड्डे पद्धर दे उत्ते नुकसान पहुँचाउण वास्ते इस किस्म दीआं जिहड़ीआं ने उह गल्लां बातां कीतीआं जा रहीआं ने। सिख नौजवान साडी जानकारी दे विच आया कि 16-17 साल दे भी जिहड़े आ उह नाजायज हिरासत दे विच लए जा रहे हैं। पंजाब नूं स्टेबल करना बहुत जरूरी है, बॉर्डर स्टेट है ते जे पंजाब नूं स्टेबल करना है ते सिखां दे नाल बैठ के गलबात करनी होएगी, सिखां दे मसलिआं नूं हल करना होएगा। इस किस्म की दहशत क्रिएट करके ना पंजाब शांत रह सकता है और ना ही भारत शांत रह सकता है। जे तुसीं चाहुंदे हो कि एक खिता जिहड़ा है इत्थे शांति रहे तो इस किस्म दीआं गंदीआं राजनीतियां जिहड़ीआं खेडण तों गुरेज करना चाहिए स्टेट सरकार नूं, सेंटर सरकार नूं, और मिल बैठ के मसलों का हल जिहड़ा वह होना चाहिए। और सिख नौजवानों की खास तौर पर जिहड़े नजायज़ ने उन्हां दी फड़ोफड़ी जिहड़ी है वह बंद होनी चाहिए है क्योंकि मापे बड़े चिंतित ने और इंटरनेट जिहड़ा बंद होने करके जानकारी किसी को नहीं मिल रही। सरकार नूं अपनी स्थिति जिहड़ी है खास तौर पर पंजाब सरकार नूं अपनी स्थिति जिहड़ी है इस वक्त स्पष्ट करनी चाहिए है। पंजाब सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं कर रही है कि पंजाब च की हो रहा है, तो ये चीज़ पंजाब सरकार नूं जरूर सोचनी चाहिए है। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह।